अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जिला कार्यकारिणी तहसील ब्लॉक व युवा जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह चंदौसी आशीष गार्डन में किया गया। संभल की तहसील चंदौसी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जिला कार्यकारिणी तहसील ब्लॉक व युवा जिला कार्यकारिणी नगर चंदौसी का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में आशीष गार्डन में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं कर्तव्य निष्ठा के शपथ दिलाई। क्षत्रिय महासभा की बेटी अंशु राघव, उसके बड़े भाई राजीव राघव दोनों के पीसीएस अधिकारी बनने पर उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह द्वारा ठाकुर विजय सिंह चौहान को राष्ट्रीय महासचिव एवं सुशील ठाकुर को प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बनाए जाने की घोषणा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह ने बोलते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज को अपनी शक्ति को पहचानना होगा। क्षत्रियों ने हमेशा देश की रक्षा की है, हमेशा अपने प्राणों का बलिदान दिया है, दूसरों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। बोलते हुए जिला कृषि अधिकारी राजीव राघव ने युवा की मोबाइल फेसबुक से ध्यान हटाकर पढ़ने की आदत को डालने की सीख दी। अंत में ठाकुर विजय सिंह ने सभी क्षत्रिय जाति का आभार व्यक्त किया। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 51% क्षत्रियों की भागीदारी और न्यायपालिका, सर्वोच्च इंटेलिजेंस से लेकर पूरे भारत सरकार के सामने जो चुनौती है कि एक नारी का हम सम्मान नहीं कर सकते हैं, ड्रग माफिया किस तरह का जुल्म और अत्याचार कर रहा है, इसके निराकरण के लिए सब सीबीआई लगी हुई है, तो ये देश के सामने चुनौती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय या सरकार अगर इसको नहीं करती है तो क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरा तैयार है, निराकरण हम करके दिखा देंगे। ये कोई नहीं रहेगा ना अलमान सलमान दाती फाती, ये सब भाग चलेंगे। जिस दिन हम लोग की खोपड़ी गर्म हो गई ना, और जिस दिन हथियार निकाल के हम लोग सड़कों पर आ गए, अभी खोपड़ी गर्म नहीं हुई, खोपड़ी गर्म हो जाएगा ना, कोई कहीं दिखाई नहीं देगा। ये अपना वेबसाइट कि 1897 में क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ था, वो अंग्रेजी काल थी और वो राजा बलवंत सिंह आवागर, महाराजा उदय प्रताप सिंह भिनगा, कैप्टन उमराव सिंह जो मझोली, इन लोगों ने क्षत्रिय महासभा का गठन किया था 1897 में। तो 1977 में जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम का संशोधन किया गया है कि भाई अंग्रेजी काल में जितनी संस्थाएं बनी हुई हैं वो 5 साल में अपना नवीकरण कराए, या ऐसा कानून आ गया। तो क्षत्रिय महासभा जो है 1984 में पुनः रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन हमारे सिंगरा मौजी जो थे बदलापुर के, वो वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तो 1986 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया और क्षत्रिय महासभा का उसमें विलय हो गया। लेकिन दुर्भाग्य यह रही कि वो विलय वैधानिक पेपर पर नहीं हुआ, मौखिक रूप से हुआ, इसलिए हमारी दो पुरानी संस्था, एक क्षत्रिय महासभा और एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन राजऋषि कुंवर सिद्धपाल सिंह ने 1986 में किया था और क्षत्रिय महासभा का गठन जो है 1897 में राजा बलवंत सिंह ने किया था, लेकिन वो रजिस्टर्ड 1984 में हुई। ये सच्चाई है, और है का ही कि दोनों सभाएं अपने को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कहती है, तो इससे समाज में एक भ्रम है, ये मैं आपको बता दूंगा।